आदमी और नहीं करता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन सारी सुनता है क्या करिए तो सुनो। अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लेडीज़ का हाथी, आपकी लेडीज़ का हाथी,
थैंक यू पुलिस। आपका पहले तो मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें आप लगातार कवर कर रहे हो। जिस दिन से कठुआ में स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं उस दिन से ही हमारा जो प्रोटेस्ट है कठुआ में स्टार्ट हो गया है कि गरीब जनता पर ये बोझ हम नहीं लगने देंगे। अंबेडकर सेना मूल निवासी और जन जागृति मंच ने पहले दिन से आवाज़ उठाई है और प्रशासन को भी चेताया है कि हम 15 तारीख को जो है वो रोड जाम करेंगे और हमारी जो मांग रहेगी वो यही रहेगी कि प्रशासन का कोई उच्च अधिकारी आकर हमसे बात करे और आश्वासन दे कि ये स्मार्ट मीटर है जो कठुआ में हम नहीं लगने देंगे। लेकिन आज जो गुंडागर्दी हुई जब हम शहीदी चौक से निकले तो कठुआ के SHO ने वहाँ पर हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी की, महिलाओं के साथ गलत तरीके से हाथ लगाया। इनकी पुलिस कहाँ थी, किसने इसको हक दिया, क्या DC साहब ने कहा हुआ था? क्योंकि DC कठुआ के पास हम पहले भी आए थे तो उस दिन DC कठुआ ने हमें कहा था कि हम जो आप पर FIR कर देंगे। इसने FIR करने का जे तरीका देखा कि जे पुलिस को गुंडों के साथ पुलिस के जो SHO है वो हमारी महिलाओं पर हाथ लगाए, वो हमारी महिलाओं को लातों से मारे, ऐसी जो चीज़ हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम DC साहब को कहना चाहते हो जो स्मार्ट मीटर तो दूर रह जाएंगे, अगर महिलाओं के साथ अत्याचार किया तो कठुआ की पूरी सड़कें जाम कर देंगे, कठुआ का हर एक लोग सड़कों पर होगा। इसलिए आप मांग कर रहे हैं हम आपसे इस कठुआ SHO को भी जहां से बर्खास्त करो। और जो दूसरी बात है स्मार्ट मीटर कठुआ में हमें नहीं चाहिए, जो स्मार्ट मीटर जो कठुआ में बंद करो, अगर आज कोई आश्वासन देगा तभी हम जहां से जाएंगे। रोशनाली में जो महिलाएं का इस्तेदाद काफी क्या देते हैं जब इस तरह की वारदात हुई तो पुलिस की महिलाएं वहां पर मौजूद थी? पुलिस की बिल्कुल भी एक भी महिला वहां पर मौजूद नहीं थी। आप सब मीडिया भाइयों ने वहां पर कवर किया है, आप अपने मीडिया चैनल के माध्यम से देख सकते हो, एक भी महिला नहीं थी। लेकिन पुलिस ने जाकर उनको टच किया, जो कहां की इंसाफी है, लेडीज के साथ लेडीज को धक्के मारने, लेडीज को टच करना, जे कहाँ की बदतमीजी कर रहे हैं, जे गुंडागर्दी कर रही है पुलिस। अगर इनको करना था वहां पर महिलाएं बुलाते, क्या पहले प्रोटेस्ट नहीं होते हैं, क्या पहले रोड जाम नहीं होते हैं? अगर होते हैं तो 10-15 मिनट में अपनी पुलिस बुलाते, महिला लेडीज बुलाते और महिला जो है महिला को रोकती, हम कहते हमें सरेंडर कर लेते, हम पर पर्चा कर देते, FIR कर जेल में भेज देते, कुछ भी कर लेते, हमें वो मंजूर था। लेकिन ये जो गुंडागर्दी है पुलिस की, जे नहीं चलने देंगे कठुआ में, जे पुलिस ने बहुत गुंडागर्दी की है इसके हम अंबेडकर सेना मूल निवासी और जन जागृति मंच कड़ी निंदा करते हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर का विरोध किया गया और प्रशासन ने डंडे के जोर पर स्मार्ट मीटर लगाए गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन कल सरकार बन जाएगी, पहले जहां पर अंग्रेजों का राज था LG प्रशासन जहां पर था, कल सरकार बन जाएगी। और जिस तरह से लोग रोडों पर हैं और डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी जो पावर लोकतंत्र में वोटों की ताकत होती है, आज वोटों की ताकत से MLA असेंबली में पहुंच चुके हैं, सरकार बननी जा रही है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह का लोगों का विरोध रोडों पर है, स्मार्ट मीटर जो हैं जो लगे हैं वो भी नालियों में फेंके जाएंगे और जो लगने वाले हैं वो नहीं लगेंगे। पुलिस ने कहीं ना कहीं रोकने की जहां पे कोशिश की गई है, पुलिस जो प्रशासन में किसको आगे करेगा, प्रशासन हमेशा पुलिस को आगे करेगा और बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। और पुलिस ने आकर रोका है तो मैं समझता हूँ कि इस धक्का मुक्की में आपकी आवाज़ बुलंद हुई है ना कि थमी है, उसके बाद भी पुतला जलाया गया, बिल्कुल भी डरने। स्मार्ट मीटर जो लगने जा रहे हैं उसका लगातार ये लोग विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग है कि स्मार्ट मीटर जो है वो कठुआ में नहीं लगने चाहिए। और जो हमारे पुराने मीटर हैं, जिस तरह से हमसे बिजली का बिल लिया जा रहा था उसी तरह से बिल लिया जाए। ये जो विरोध स्मार्ट मीटर को लेकर के है वो केवल मात्र जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो तो कई प्रदेशों में हो रहा है।
रहा है, बिहार में हो रहा है, कई जगह हो रहा है। तो लोगों को आशंका है कि ये सरकार ने जो जो मीटर इंट्रोड्यूस किए हैं, ये मीटर जो है वो बहुत तेजी से चलते हैं, बहुत ज़्यादा बिल बना देंगे और बहुत सारी लोगों को तकलीफ देंगे, खास करके गरीब लोग जो आगे ही डिफॉल्ट में हैं और उनको आगे बड़ी तकलीफ होने जा रही है। तो हमारी मांग है कि सरकार जो है वो इसको सस्पेंड करे। और अब तो नई सरकार बनने जा रही है, नई सरकार ने हमें 200 यूनिट बिजली देने की भी बात की है, उन्हें स्मार्ट मीटर हटाने की बात की है। तो हम तो कल वाली जो सरकार बनने जा रही है, हम उनको पहले तो मुबारकबाद भी देते हैं, उनका शुक्रिया भी करेंगे। वो तमाम इन गरीबों की बात को समझते हुए ये जो मीटर का जो प्रोग्राम है इसको बंद करें। और जैसे उन्होंने कमिटमेंट किए हैं, जैसे उन्होंने विरोध किया है, हम उसी विरोध के साथ हैं। और स्मार्ट मीटर यहाँ नहीं लगना चाहिए और नहीं लगना। आपने कहा ना हमें आपकी बात मान जाओगे कि नहीं, आपकी बात मानिए, आप करो ये सच्ची बात। अब आप बताओ, आप अभी हमारे पर एक मिनट, सर मेरी मैं आपकी बात से सहमत हूँ।